चंबा जिला की ऊपरी पहाड़ियों पर मौसम का पहला हिमपात हो गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां पहुंचे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। होटल व्यवसायी व पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारी हिमपात के कारण पर्यटकों की बड़ी संख्या में उमड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। जिला के ऊपरी इलाकों होली, तीसा, पांगी, भरमौर, डलहौजी सहित जिला की सभी ऊपरी इलाकों में हिमपात से पहाड़ी इलाकों का दृश्य और मनोरम हो गया है। बर्फबारी व बारिश के चलते चंबा जिला पूरी तरह से ठंड की चपेट में आ गया है। कई मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गए हैं। जिला के पर्यटक स्थल बर्फ की सफेद चादर में चमक उठे हैं। बहरहाल चंबा जिला के सभी ऊपरी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। जिला चंबा के सैलानियों के मशहूर पर्यटन स्थल डलहौजी के ऊपरी इलाके काला टोप, लकड़मंडी व डैन कुंड में भी लगभग एक फुट ताजा बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी से डलहौजी के पहाड़ों का सौंदर्य भी निखर उठा है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। काला टोप व लकड़मंडी में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह पर्यटक बर्फ से अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से व्यवसायियों को भी कारोबार में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। हाय, मेरा नाम मन्नत है, मैं डलहौजी से हूँ। यहाँ पर सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ है और बहुत मजा आ रहा है। सभी लोग यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सभी को यहाँ जरूर आना चाहिए। वी लव स्नो, वी लव डलहौजी, है ना। मेरा नाम सुनैना हूँ, मैं पंजाब से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं डलहौजी आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ स्नो पड़ेगी। हम जब आए थे तो घर से हमें नहीं पता था यहाँ पे स्नो होगी, हमने सोचा कि ऐसे ही होगा। बट लेकिन जब देखो सभी कितना है। जब यहाँ हमने एंटर किया तो बहुत मजा आया, बहुत खूबसूरत है और सबको आना चाहिए। डलहौजी में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और हम लोग मुंबई से आए हैं फर्स्ट टाइम डलहौजी में और सारे दोस्त हैं और कॉलेज से आए हैं और हम बहुत मजा कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम माधुरी है, हम लोग मुंबई से आए, हम यहाँ डलहौजी में बहुत सारा मजा करे हमारे फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे हमने स्नोमैन भी बनाया है। मेरा नाम मितारी शिंदे है, हम लोग मुंबई से आए, पूरे सब फ्रेंड्स के साथ आए। बहुत ज्यादा स्नो है, बहुत मजा आ रहा है, ठंडी भी ज्यादा है। बहुत खूबसूरत है डलहौजी, आपको जरूर विजिट करना चाहिए एक बार आपकी फैमिली के साथ। बहुत अच्छा है डलहौजी, सबको आना जरूर चाहिए, बहुत मजा आता है। बहुत खूबसूरत डलहौजी है, सबको आना चाहिए, बहुत मजा आता है यहाँ पे। वहीं हिमपात से बागवानों, किसानों व पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। लंबे अरसे के बाद पड़ी फुहारों को खेती किसानी के लिए मुफीद माना जा रहा है। साथ ही लोगों को सूखी ठंड से भी राहत मिलेगी। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।